Assalamualaikum भाई भाइयों रिजवान भोपाली फिर से हाजिर है आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर भाइयों आज हम कुर्बानी के मुतालिक और जो अपना लॉकडाउन लग रहा है भोपाल में इसमें कैसे लोगों को दाना चारा मिलेगा और किस तरीके से कुर्बानी की गाइडलाइंस है उनके बारे में बात करेंगे ये भोपाल के लिए है स्पेशल तो मैं पढ़ के बताया हूँ आपको शहर काजी अली नदवी ने कहा है कि ईदाजी पर समाज के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में कुर्बानी कर सकेंगे इस मसले पर उनकी गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग समेत कलेक्टर और डीआईजी से भी चर्चा हुई है विधायक आरिफ मसूद ने भी गृह मंत्री को पत्र लिखकर ईद उजहा पर्व पर कुर्बानी का अवसर बंदों को दिए जाने की बात कही है शहर काजी ने समाज के लोगों से अपील की है कि नमाज और कुर्बानी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग व स्वच्छता का ख्याल रखें तो ये तो शहर काजी की बात थी बाकी अब मैं गाइडलाइंस बता देता हूँ आपको कि कुर्बानी में किन गाइडलाइंस का अपन को पालन करना है लॉकडाउन के कारण बकर अगस्त सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी नहीं होगी यानी कि आप लोगों को घर के बाहर जो अपन कुर्बानी करते थे जैसे बड़े जानवर की तो वो घर के बाहर नहीं कर पाएंगे आप सार्वजनिक मतलब है ना सुनसान गली है तो, तो चल जाएगा लेकिन जहाँ मतलब लोगों की आवाजाही होती है वहाँ पे आप नहीं कर सकते घरों के भीतर या निजी परिसर में ही बकर का त्यौहार मनाया जा सकेगा उसमें भी पाँच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे यानी कि सिर्फ पाँच लोग ही कुर्बानी करवा सकते हैं इसके अलावा नहीं ठीक है ना चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विधायक आरिफ मसूद और शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के साथ बैठक के बाद इस पर सहमति बनी है साथ ही इस दौरान न बकरों की खरीद फरोख के लिए बाजार लगेगा व न राखी के बाजार लगेंगे यानी कि वो तो दोनों त्योहारों की बैंड बज गई है इस बार विश्वास सारंग ने कहा है कि धर्म गुरुओं की सहमति पर सीएम सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ हुई बैठक के बाद एडवाइजरी जारी हुई है कि रक्षाबंधन भी घरों में ही मनेगा त्योहारों के दौरान लॉकडाउन को लेकर विधायक आरि मसूद ने आंदोलन की चेतावनी दी थी मसूद ने भास्कर से चर्चा में कहा कि शहर काजी की सहमति से एडवाइजरी जारी हुई है अब सबकी एक राय हो चुकी है यानी कि अब अपन को कोई विरोध नहीं करना है जैसे लॉकडाउन की गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दाना चारा ये जो बकरों के लिए है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करी गई है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को पशु पक्षियों के लिए खाना एवं भूसा वितरण केंद्र यानी जो दुकानें हैं वो के जिला प्रशासन की अनुमति से खोले जा सकेंगे यानी कि ये पुलिस वालों से अनुमति ले, ले लेंगे तो इनकी दुकानें खुल जाएंगी हालांकि वो तो मिली जाएगी इन लोगों को अनुमति ठीक है ना तो और दूसरी चीज़ ये सामान लेने के लिए एक बंदा ही जा सकेगा पैदल ठीक है पैदल या फिर गाड़ी से एक ही बंदा जाएगा अगर आदर दिखते हैं तो फिर उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे तो भाई ये गाइडलाइंस थी ईद की भाइयों आप लोगों से एक गुजारिश और ये है कि डिस्क्रिप्शन में, में, में मेरे दो और चैनल हैं एक समाचार डॉट कॉम है एक, एक दूसरा ओरिजिनल देसी है इस पर मैं न्यूज़ डालता हूँ और दूसरा जो चैनल है ओरिजिनल देसी उस पर अपने जो विचार हैं वो शेयर करता हूँ तो प्लीज़ उनको भी जाके सब्सक्राइब करें बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की तो इन अल्लाह सब बेहतर करे और सब दुआ करें अल्लाह पाक से कि जल्द से जल्द ये वबा ख़त्म हो जाए कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और सब फिर से नॉर्मल हो जाए सबके काम धंधे फिर से शुरू हो जाए चलिए अल्लाह हाफ़ जजाकल्ला ख़ैर